हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू RS एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है अम्लों की धातु से अभिक्रिया होने पर उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन करना, कि जब अम्ल है किसी धातु से अभिक्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसी की चर्चा आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड। तो सबसे पहले आप चित्र देख रहे हैं, जैसा चित्र में दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच करना है। इस प्रयोग के द्वारा ये पता करेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, और अगर हाइड्रोजन गैस इस प्रयोग में निकलती है तो उसकी जाँच कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि हम देखते कि हम लोग ने इस तरीके के इक्विपमेंट को चित्र के अनुसार सेट कर लिया है। ये परख नली स्टैंड है, या स्टैंड भी बोल सकते हैं आपको। ये परख नली है, टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। इसमें आपने क्या किया, 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। अगर आपको ये परीक्षण करना है तो 5 ml क्या लिया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है, और इसमें दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए। तो देखिए, आपको चित्र में आप देखते चलिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। ये दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए, इसको जिंक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं। जब दानेदार जिंक के टुकड़े सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो हम लोग ने क्या क्या लिया है, पहले इस टेस्ट ट्यूब में दानेदार जिंक के टुकड़े ले लिए और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया। अब बार बार एक शब्द आ रहा है, तनु, ठीक है। वैसे क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि तनु और सांद्र का क्या मतलब है, बट एक बार मैं फिर से यहाँ पर डिस्कशन कर देती हूँ कि तनु होता क्या है। जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है, या कह सकते हैं कि जब किसी अम्ल को जल में विलय किया जाता है, तो जिसमें बहुत कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल होता है, यानी कि जो एसिड है वो कम क्वांटिटी में होता है और जल ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो जो ऐसा अम्ल जो तैयार होता है, एक विलयन तैयार होता है, उसको बोलते हैं तनु विलयन, या तनु अम्ल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। इसके बाद ये इस परख नली में हम लोग एक निकास नली लगा देते हैं, जो इस पात्र में जा कर के खुलती है, ठीक। अब ये स्टार्ट कैसे होंगे, चलिए कि आपको बताते हैं। हम लोग ने एक परख नली में 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर होने वाले प्रभाव का हम लोग को क्या करना है, प्रेक्षण करना है कि जब H2SO4 जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। देखिए, जब H2SO4 जिंक से अभिक्रिया करेगा तो उत्सर्जित गैस, तो यहाँ से एक गैस निकलेगी। उत्सर्जित गैस जब यहाँ से निकलेगी तो वह निकास नली से होते हुए इस पात्र में पहुँचेगी। इस पात्र में साबुन का विलयन लिया, इस पात्र में हम लोग ने क्या लिया, साबुन का विलयन ले लिया। फिर क्या किया, साबुन के विलयन में इस निकास नली को क्या किया, आकर के छोड़ दिया। तो अब निकास नली साबुन के विलयन में आके मिल गई, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, साबुन के घोल में होने वाली प्रक्रिया का प्रेक्षण किया, ठीक है। तो जब यहाँ से कोई गैस, अभी आपको गैस नहीं पता वो कौन सी है, यहाँ से निकास नली से होती हुई इस पात्र में आ गई, तो यहाँ से देखा कि जब ये साबुन के विलयन में आई तो ये रिएक्ट करने लगी, और यहाँ से गोल गोल बबल्स निकलने लगे, यानी कि बुलबुले दिखाई पड़ने लगे। अब इसका प्रेक्षण करना है, तो उस प्रेक्षण के लिए क्या किया, हम उस बबल के पास, जो आपको ऊपर बबल से दिखाई पड़ रहे हैं, बुलबुले से दिखाई पड़ रहे हैं, वहाँ पर मोमबत्ती लेकर के गए। तो मोमबत्ती जैसे ही हम उस बबल के पास लेके गए, तो होता क्या है कि वहाँ पे आवाज़ आती है पॉप की, या थोड़ी सी गैस के बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाने से फट फट की आवाज़ आने लगती है, उसको पॉप बोलते हैं, आवाज़ आने लगती है। तो अब उसका रिज़ल्ट क्या निकला, क्यों हुआ ऐसा, उपयुक्त प्रेक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि जिंक की सतह से निकलने वाले बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं, क्योंकि यह गैस जलाने पर फटफट की आवाज़ करते हैं, यह तथा यह वायु से हल्के हैं।
अब हम लोग को पता चल गया कि जो ये यहाँ से जो बबल्स निकल रहे थे, हम लोग मोमबत्ती लेके गए तो आवाज़ आने लगी फट फट की, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। निकली क्यों? यहाँ पर मैंने बता दिया है कि जब जिंक किससे रिएक्ट किया, H2SO4 से रिएक्ट किया, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, तो जो गैस निकली जिंक की सतह से जब रिएक्ट हुई H2SO4, तो उसमें से गैस निकली और इस गैस का प्रेक्षण करना था तो हम लोगों ने इसमें से एक निकास नली लगा दी इस पात्र में। इस पात्र में हम लोगों ने क्या लिया था? साबुन का विलयन लिया था। जैसे ही यहाँ पर ये गैस निकलने लगी तो यहाँ पे बबल्स दिखाई पड़ने लगे। इस बबल्स का हम लोग ने प्रेक्षण किया, मोमबत्ती जलती हुई लेके गए तो पट 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 की आवाज़ आने लगी, जिससे अब पता चला यह हाइड्रोजन गैस है। चलिए एक इसके रिएक्शन भी देख लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, ये ZN लिया मैंने बताया, जिंक धातु के, जिंक दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े लिए, जिंक ग्रेन्यूल्स भी बोलते हैं, H2SO4 लिया, ठीक है। एक्वस AQ लगाया ना, ये एक्वस इसका मतलब हुआ। जब ये हुआ तो इसमें से निर्माण किस चीज़ का हुआ? जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ और हाइड्रोजन गैस क्या हुई? निष्कासित हुई। एरो मैंने बता दिया है कि जब कोई गैस निकलती है तो ये क्या है, ये सिंबल है गैस का, तो ये हाइड्रोजन गैस निष्कासित हुई। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है, ठीक है, जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? निकलता है, ठीक। ये आपको पता चल गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष यही निकला, उपयुक्त प्रेक्षण के आधार पर, मतलब ये प्रयोग जो हम लोग ने किया, चित्र देखा आपने कि आपने टेस्ट ट्यूब में दो चीज़ें ली, इसके बाद उसको निकास नली से गैस निकली, साबुन के विलयन में गई, वहाँ पे बबल्स निकले और आपने प्रेक्षण किया, तो यही निष्कर्ष का मतलब, ये रिजल्ट क्या निकला? यही कि जिंक की धातु, जिंक की सतह से निकलने वाले बुलबुले हाइड्रोजन गैस के हैं। ये याद रखना है आपको कि किसके हैं? हाइड्रोजन गैस के हैं, क्योंकि यह गैस जलाने पर फटफट की आवाज़ करती तथा वायु से क्या होती है? हल्की होती है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं कि अगर कोई धातु क्षार से रिएक्ट करती है तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। आपको क्या करना है? सामग्री देखिए, सामग्री क्या क्या लेनी है, उसमें सामग्री तो मैंने बता दी थी। देख लीजिए, इसमें भी जब धातु की क्षार से अभिक्रिया करते हैं या धातु की क्षार से क्रिया होती है तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? परख नली, जिंक के टुकड़े लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। देखिए, याद रखना है, वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड ली क्योंकि वह अम्ल से अभिक्रिया कर रही थी, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? सोडियम NaOH, ठीक है। और जो OH है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन है ये, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि क्षार, ठीक। आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, मैंने अम्ल क्षार पहले ही डिस्कशन कर दिया है। यहाँ पर जो आपने सामग्री ली है, परख नली ली, जिंक के टुकड़े लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब इसको क्रियाविधि इसकी क्या है? एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े लेते हैं, ठीक है। कोई भी परख नली ले लिया आपने, उसमें जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े डाल दिए, जो आपने पहले अम्ल के साथ किया था सेम वही क्षार के साथ करना है। बस इस पे फ़र्क इतना है कि यहाँ पे क्षार जो लेना है आपको, ठीक। एक परख नली में जिंक के दानेदार टुकड़े ले लिए, इसमें 2 mL सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का घोल को लिया और उसको मिला दिया। अब उसको क्या करते हैं? घोल मिलाकर गर्म किया, तो जब हम लोग प्रेक्षण करते हैं तो उसका प्रेक्षण क्या करते हैं, ये देखें, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जब जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा, देखिए ये रिएक्शन भी है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, ये जिंक है, जिंक के टुकड़े हैं। जब इसको, जब इससे रिएक्ट करेगा तो बनेगा क्या? जिंक, सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। तो प्रेक्षण चलिए पढ़ लेते हैं। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जिसे साबुन के विलयन में प्रवाहित करने पर साबुन के बुलबुले बनते हैं। सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया गया है। दोनों में चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, दोनों धातु के साथ रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेंगे।
जिसे साबुन के विलयन में प्रवाहित करने पर साबुन के बुलबुले बनते हैं। जब जलती हुई मोमबत्ती को साबुन के बुलबुले के पास ले जाते हैं तो फटफट की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस का क्या होने लगता है, दहन होने लगता है। सेम प्रोसेस इसमें भी है। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें यह आपकी एक्टिविटी 2.3 एंड एक्टिविटी 2.4 भी है। यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जब अम्ल की किसी धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, और क्षार की जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या उसका रिजल्ट निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।